अनुज भैया ये मैम ये चेक आज ही कुल्लू भिजवा दीजिए मिस्टर जगदीश प्रसाद गुप्ता के पास। या जगदीश प्रसाद गुप्ता वही वो पंखुड़ी के दादाजी। ये चेक अभी भिजवा दीजिए। यस मैम। एक्सक्यूज मी। यस डॉक्टर साहब, आपके बेटे और मिस्टर हरिश का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। व्हाट? आदि कहाँ छोड़ा है तुम्हें? कितनी बार कहा है तुमसे ये बाइक वही छोड़ दो, घर में इतनी कार से, लेकिन तुम तो मेरी सुनते ही नहीं हो। और वो कहाँ है? इसके साथ नो वंडर, एक्सीडेंट तो होना ही था। प्लीज मॉम, मुझे कुछ नहीं हुआ है। फैक्ट, डैड को चोट लगी है, वो भी थोड़ी सी। ये मेरा मतलब है ये जरा सी चोट है। आई डोंट अंडरस्टैंड, व्हाई द हेल कांट यू लीव अस अलोन। हाँ हरीश जी, ये आपका लाइसेंस। थैंक यू सो मच। और 300 रुपये दीजिए। 300 किस बात के? बिना लाइसेंस के बाइक चलाने का फाइन। पंखुड़ी बेटा, ऐसी परीक्षाएं तो जीवन में आती रहती हैं बेटा। राम जी पे भरोसा रखो। अगर उन्हें लगेगा ना कि तेरे लिए ये रिश्ता सही है तो ये रिश्ता जरूर होगा। तो चिंता मत कर बेटा। मुझे अपनी फिक्र नहीं है दादाजी। मैं तो यही सोच रही हूँ कि आदित्य जी क्या सोच रहे होंगे। उन्होंने कहा था कि वो पहले सामने वाले की ऑनेस्टी देखते हैं और वही उन्हें हमारे यहाँ। कुछ नहीं हुआ नानू, कुछ नहीं हुआ। तुम मानो ना मानो, तुम्हारे चोट लगी है भाई। लाओ चाबी लाओ। दिस इज नॉट फेयर। हाँ, उसे मत घूरो, उसने अपना फर्ज निभाया है। नानू, मुझे मेरी बाइक की चाबी वापस चाहिए। नो वे बरखुरदार, आज से तुम्हारा बाइक शाइक चलाना बंद। कम ऑन नानू, इतनी छोटी सी चोट के लिए मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। यानी कि ये करने के लिए हम किसी बड़े एक्सीडेंट का इंतजार करूं मैं? जो ये चाबी तुम जाके, वैसे ये चाबी तुम्हें मिल सकती है, मगर मेरी एक शर्त होगी। नो चांस। हाँ, मैं आपकी कोई शर्त वर्त नहीं मानने वाला। मैं जानता हूं आप क्या बोलने वाले। नो बाइक? ओके, नो बाइक, आई डोंट वांट इट। नहीं, इट्स ओके, जस्ट कीप इट। हां, पता नहीं आजकल क्या हो गया इनको, हर बात पे शर्त, हर बात पे कंडीशन। नेहा मेरी सगी भांजी नहीं है, लेकिन सगी भांजी से भी बढ़कर है। लेकिन भाई साहब जी, एक्चुअली पहले से पता होता कि आप लोग आने वाले हैं तो और भी अच्छी तरह से खातिरदारी करते हैं आपकी। नेहा, आज सुबह तुम्हारी नमन से बात हुई थी ना? तुमने अपने घर में बताया नहीं तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है? झगड़ा? जी, ये नमन ने बताया आपको? ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं हुई थी, बस जरा सा आर्ग्यूमेंट हुआ था। नेहा, तुम रहने दो, नमन ने हमें सब बता दिया है। और झगड़े की वजह क्या थी आप जानती हैं? आपकी बेटी पंखुड़ी।